वेलकम टू अपर किचौड़ा लेक। आप रेनबो देख सकते हैं, ये सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ों पे रेनबो। ये इधर बल्कि इन्होंने लिखा भी है झील का रास्ता। इधर ज़्यादा फिसलन है और इसलिए देख के जाना पड़ेगा इधर तक। तो अच्छा, इधर आप रास्ते में इधर रिजोर्ट भी बने हैं, खाना पीना इधर रेस्ट एरियाज। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली और रीच आवर डेस्टिनेशन। वेलकम टू अपर किचौड़ा लेक। अपर किचौड़ा लेक है, ये लिखा भी इधर झील जाने का आसान तरीन रास्ता। ये अपनी गाड़ी वगैरह इधर भी पार्क कर सकते हैं आप। झील की तरफ चलते हैं, आपको झील का भी विजिट करवाते हैं। अपर किचौड़ा लेक, यहाँ पे भी पार्किंग लगी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी। इधर भी पार्किंग लगी है, इधर भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और पीछे जो आपको जो जगह दिखाई थी उधर भी पार्क कर सकते हैं। अब किचौड़ा लेक के रास्ते पे चलते हैं। बारिश देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है, नहायत ही उमदा। किचौड़ा लेक के रास्ते में आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, आप रेनबो देख सकते हैं, ये सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ों पे रेनबो, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए, ये जब आप किचौड़ा लेक के रास्ते से जाएंगे, ये देखिए सामने आपको ग्लेशियर, पहाड़ और बड़े खूबसूरत मनाज़िर नज़र आएंगे। ये मेरे इस वक्त बारिश भी है थोड़ी, अभी इस किचौड़ा लेक पे थोड़ी सनलाइट भी उस साइड पे पड़ रही है, जिसकी वजह से बारिश भी है और रेनबो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये अपर किचौड़ा का रास्ता, बारिश की वजह से थोड़ी फिसलन हुई पड़ी है इधर। ये देखिए रेनबो इधर से और खूबसूरत नज़र आ रही है, माशाल्लाह। ये इधर से मुझे ध्यान से जाना पड़ना है, ये इधर बल्कि इन्होंने लिखा भी है झील का रास्ता। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, रास्ता भी इसका बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, तो देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही खूबसूरती पाई जाती है। गिलगित की अगर दोनों तरफ देखी जाए, हुंजा और सकरदू, दोनों ही अपनी जगह ख़ास खूबसूरती के हामिल हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत है। इधर ज़्यादा फिसलन है और इसलिए देख के जाना पड़ेगा। ये देखें, इधर सीढ़ियाँ हैं। चलो इधर थोड़ी सी सानू है, लेकिन चले आगे देखते हैं इसका रास्ता आगे कैसा है। इधर तक तो अच्छा, इधर आप रास्ते में इधर रिजोर्ट भी बने हैं, खाना पीना इधर रेस्ट एरियाज। ये देखिए टिक्का बोटी, ऊपर बारबेक्यू लगे थे, जिसमें तो जिंदी खुशबुआ ही बड़ी थी, खुशबुआ वेख के उन भूख लग गई है। चलो पहले अपना पहले काम करें, फिर वैसे कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हम असी आए हैं, असी पहले सोच रहे पहले काम करिए फिर कुछ सुकून में बैठा गए, क्योंकि रात का टाइम है ना। ये देखिए अब रात होने वाली है, इस टाइम 6:30 हो चुके हैं, तो इधर एकदम अंधेरा हो जाता है कि शाम भी नहीं, डायरेक्ट अंधेरा।
जिसकी वजह से ऐसा लग नहीं रहा वीडियो में कि ये शाम या रात होने वाली है, क्योंकि उधर लेक की तरफ का ये रास्ता है। ये देखिए, लेक की तरफ का ये रास्ता है, ये देखिए, इधर से इधर को जाना है। देखिए लोग भी जा रहे हैं, अपर कचौड़ा लेक, देखिए इधर से मुझे नजर आ गई है। मैं आपको इसकी ड्रोन फुटेज भी कवर करता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि लाजमी आप भी अपर कचौड़ा लेक, सेक वैली, मिल्की रिवर पे आए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली और रीच आवर डेस्टिनेशन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अपर कचौड़ा लेक। सबसे मज़े की बात यह है कि इधर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, आप जिप लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे बिल्कुल करीब देखे जिप लाइन है, गुजर रही है, या आप जिप लाइन भी कर सकते हैं, बोटिंग फैमिली के लिए। ये देखे मैं, आप सिंगल बोटिंग भी कर सकते हैं, डबल बोटिंग भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आप बैठ सकते हैं। तो ये बड़ा इंतहाई ज़बरदस्त, ये देखे बोटिंग सामने, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसी तरह मैं अपने सारे व्लॉग्स में आपको पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों से तारुफ करवाता रहूँगा और आप हमारा व्लॉग लाजमी देखा करें और इंशाल्लाह पसंद आए तो आप इसे लाइक भी किया करें। अब हमारा इधर से जाने का टाइम हुआ जाता है, शाम भी होने वाली है। और आपको बताता चलूं कि जो सोक वैली, मिल्की रिवर और अपर कचौड़ा लेक, ये एक ही रोड पे मौजूद है। कि मैं इसलिए ये अपने ब्लॉग सेपरेट बना रहा हूँ कि लोग अक्सर जो मसलन अपर कचौड़ा लेक को सर्च करते हैं तो उनके लिए इजी हो के, लेकिन अगर आप प्रॉपर उसका रास्ता और वगैरह उसकी हर चीज़ को एक्सप्लेन में देखना चाहते हैं तो आप पिछले व्लॉग्स में मेरे देख सकते हैं, जिसमें सारा मैंने डिस्कस किया उसका रास्ता, सब कुछ मैंने उसे सारा एक्सप्लेन किया है वीडियो में। तो अभी शाम होने वाली है तो हम इधर से चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।